हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले की कक्षा में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि 6 और 8 दो ये प्राकृत संख्याएं हैं, अगर इन दोनों के बीच में आपको पूछा जाए कि दोनों के बीच में कौन सी प्राकृत संख्या है, तो आप तुरंत आंसर कर देंगे दोनों के बीच में 7 है, ठीक है। आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो आप लोगों ने आसानी से कर दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2/9 और 7/9 इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, या हम कितने परिमेय संख्या दोनों के बीच में लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा, देखिए हर दोनों समान है और यहाँ पे 2 है, 2/9 है, तो हम लोग 2/9 के बाद से जैसे 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर 7/9 है हमारा। तो इसके बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या हमारी आती है, ठीक है। तो ये तो था कि जब हमारा हर समान है तो हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बीच हम लोग और भी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं एक, कि अगर आपको पूछा जाए कि 3/10 और 7/10 इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो देखिए कोई भी दो संख्या के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या है, मतलब कितनी भी हो सकती है, उसके कोई काउंटिंग नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/10 और 7/10 इसके बीच में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 4/10, 5/10, 6/10 इस तरह से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि हम लोग उसके बाद तो 7/10 आ गया, इसका मतलब इसके बीच में तीन ही संख्या नहीं, और भी है। देखिए कैसे, तो देखिए 3/10 जो है, अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो हमें क्या मिलेगा, ये एक समतुल्य भिन्न मिल जाएगा, इसका समतुल्य परिमेय संख्या। तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 10 × 3 30 हो जाएंगे, और 10 × 10 हमारे 100 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा उसी तरह से 7/10 है, इसको भी हम लोग ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने मिल जाएंगे, 70, और यहाँ पे 100 मिल जाएंगे। तो अब देखिए आपको दो परिमेय संख्या यहाँ 30/100 और यहाँ पे 70/100 आपको मिल चुका है। अब आप इसके बीच भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, और ये भी इन दोनों के ही बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे 30/100 है, तो इसके आगे फिर 31/100, 32/100, 33/100 चलती जाएगा ये कहाँ तक, 70 तक। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या, कैसे, यहाँ पे देखिए आप 30/100 है, अब आप अगर इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो हमें फिर से एक समतुल्य भिन्न इसका मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 300/1000। उसी तरह से अगर इसके लिए हम लोग करते हैं तो ये कितने मिल जाएंगे, 700/1000। फिर आप लोग 301/1000, 302/1000 इस तरह से आप लोग फिर से लिख सकते हैं। तो ये सारी परिमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच की ही कहलाएगी। तो इस तरह से हम लोग कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये तो था कि जब दोनों का हर समान है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको दो परिमेय संख्या दी हुई हो और जिनके हर जो है वो असमान है, असमान हर जब हो तो, ठीक है। जैसे 3/5 हमने ले लिया और यहाँ पर 6/3 हमने ले लिया, ठीक है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच अब हमें बताना है कि कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो देखिए, सबसे पहले काम आपको करना है कि इन दोनों का जो हर है उनको हमें समान करना है, ठीक है। समान हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी हर होंगे उनका पहले हम लोग एलसीएम कर लेंगे, तब हम लोग हर को समान कर सकते हैं। 5 और 3 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों के हर में 15 लाना है। यहाँ देखिए 3/5 है, तो 5 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, और चूंकि हम लोगों ने नीचे 3 से किया तो ऊपर भी हम लोग 3 से करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 9/15
15, उसी तरह से हमारा जो 6/3 है ये कितना बन जाएगा, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 से किया ऊपर भी 5 से करेंगे, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 30/15। अब आप देखिए 9/15 और 30/15 के बीच में आप लोग आराम से परिमेय संख्या बता सकते हैं, 9 के बाद से 10/15, 11/15, 12/15, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है 30 तक। उसके बाद फिर हम लोगों को अगर और परिमेय संख्या लिखने की ज़रूरत है तो हम लोग फिर इसका एक समतुल्य परिमेय संख्या लिख लेंगे और उसके फिर बीच में हम लोग करेंगे, तो इस तरह से हम लोग और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया परिमेय संख्या निकालने का। दूसरा मेथड हम लोग जानते हैं, देखिए दूसरा मेथड क्या है, एक दूसरी विधि भी है, ठीक है, अन्य विधि इसकी क्या है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हाँ देखिए अन्य विधि, अन्य विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1 और 2 कोई परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे इसको आपने, हमने परिमेय संख्या कैसे कह दिया, तो देखिए ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा, तो देखिए इसको हम लोग कोई भी संख्या है अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग वहाँ पे 1 दे सकते हैं, इससे इसके वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं होता है और इस तरह से ये p/q का फॉर्म भी बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या, 1 रहे 2 रहे 3 रहे कोई भी डिजिट रहे तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1 और 2 जो परिमेय संख्या है इसके बीच में हम लोग परिमेय संख्या लिखना है, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या करना है, जो दोनों संख्याएं हैं इनको हम लोग ऐड करके और इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने जाएंगे 2 और 1 3/2, ये एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच का हो गया, ठीक है। अगर हमें और परिमेय संख्या लिखने की ज़रूरत है इन दोनों के बीच में तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका 1 ले लेंगे और जो परिमेय संख्या हमारा अभी आया हुआ है यानी कि 1 + 3/2 इसको हम लोग ऐड करके और फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको पहले ऐड करते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का हमें LCM कर लेना है, 2 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएंगे, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएंगे, 3 × 5/2, ये देखिए इन दोनों को ऐड करके आया। अब हमें क्या करना है, इसको फिर 2 से डिवाइड कर देना है, तो देखिए ये 2 जो है यहीं पे चला जाएगा यानी कि 5/2 × 2 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 5/4, तो ये हमें एक और परिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। अब आप चाहो तो इस संख्या को और ये जो 2 थी इन दोनों को भी ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड करके और एक संख्या निकाल सकते हैं परिमेय की। फिर हम लोग को जो अभी यहाँ ये परिमेय संख्या मिली है इसको और फिर ये 1 को प्लस करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों का बुक से आंसर मैच ना भी हो तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि परिमेय संख्या अनलिमिटेड है, तो इसीलिए आप कुछ लिख सकते हैं आंसर, बुक में कुछ और भी दिया रह सकता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि देखिए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाना है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लास में प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाया होगा, जैसे देखिए कैसे दर्शाते थे, यहाँ सबसे बीच में पहले 0 होता था, उसके बाद इधर पॉजिटिव में नंबर्स होते थे और इधर होते थे नेगेटिव में नंबर्स, ठीक है, -3 आगे चला जाएगा, -4 इस तरह से इधर भी कंटिन्यूड और इधर भी आगे कंटिन्यूड रहेंगे, ठीक है। तो ये था प्राकृत संख्या का संख्या रेखा में निरूपण। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे करेंगे निरूपण। तो देखिए ये मेरा कोई संख्या रेखा हो गया, ठीक है, ये एक हमारा संख्या रेखा है, सबसे मिडिल में इसका 0 रहेगा और देखिए 0 से हम लोग 1 के बीच में यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ पे भी 1 तक लेंगे, इसके आगे भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको निरूपित करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए हमारा निरूपण करने के लिए है 3/11, 5/11, 7/11, -2/11, -9/11,
ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिजिट से इसे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 3 by 11, यहाँ देखिए सबसे पहले 1 का मतलब हो गया, अगर आपका हर 11 है तो मतलब कि 11 by 11 ये आपका वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, इसका मतलब यहाँ तक आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे शुरू में हमारा 1 by 11 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 by 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 3 by 11, फिर उसी तरह यहाँ पे 4 by 11, इस तरह से आगे कंटिन्यूड होगा, कहाँ तक, 11 by 11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे 3 by 11 दिखाना, तो हमने यहाँ पे 3 by 11 दिखा दिया। फिर हमें 5 by 11 लेना है, देखिए 4 है तो यहाँ पे हमारा 5 by 11 होगा। इस तरह से आप इसको आगे और भी बढ़ा सकते, फिर आपको 7 by 11 मिल जाएंगे, 5 by 6 हो गए, 11 हो गया, फिर आपको 6 by 11 मिलेंगे, उसके बाद आपको 7 by 11 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। और फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग इसके जस्ट अपोजिट साइड चलेंगे, मतलब यहाँ पे ये -1 by 11, उसी तरह से ये -2 by 11, -3 by 11, इस तरह से ये आगे कंटिन्यूड होते रहेंगे, ठीक है। तो हमें जिसकी भी वैल्यू चाहिए, जैसे -2 by 11 हमारा यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग आगे और बढ़ाते जाएंगे तो हमें -9 by 11 भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।